आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव फरहेदी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 14 किलोमीटर तो ब्लॉक से 8 किलोमीटर है। 1900 वोटों वाले इस गांव की कमान विक्की चंद्रा के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। ग्राम प्रधान विक्की चंद्रा और सचिव सतपाल सिंह के द्वारा स्कूल के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि यह अपने अच्छे कार्यों के कारण तीसरी बार इसी परिवार से प्रधान चुने जा रहे हैं। इनके कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के फरहेदी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक अपने गाँव में आपने करवा दिए? हमारे गांव में आंगनबाड़ी बनी है जी। और स्कूल में सुंदरीकरण हुआ है जी, जिसमें कि बच्चों के हाथ धोने के लिए जी। और बच्चों के लिए बेंच वगैरह स्कूल और गांव सड़कें बनी है, नाली बनी है। गांव के सभी रास्ते पक्के हो चुके हैं, अभी भी कच्चे हैं। सवासी टाइल्स सब आरसीसी या टाइल्स आपने यहाँ पर करवा दिए हैं। ओडीए हो गई ग्राम पंचायत? हाँ, ओडीए हो गई। आवास मिले हैं आप लोगों को? आवास मिले हैं जी। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, कितने परसेंट लोग आपके गांव में इन सभी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं? लगभग लगभग कुछ ही रहती हूँ, नहीं तो सभी लोग, ज्यादातर लोगों को लाभ मिला है। लाभ मिल चुका जी। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? सब लगी हुई। डस्टबिन रखवाए हैं? डस्टबिन भी है लगे। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये बने हुए? सब बने हुए। सभी बने हुए। जैसे कि अब ये बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है यहाँ पर, तो इसके लिए आपने कोई मतलब इंतजाम यहाँ किए हैं, जैसे दवाइयों का छिड़काव वगैरह, मशीन ये सब जो आज सरकार ने आदेश भी दे रखे हैं और सुविधाएं दे भी रखी हैं गांव में दवाइयों के छिड़काव के लिए, तो क्या आपने अपने गांव में ये व्यवस्था की है? हाँ, ये जैसे जंगल में कचरा वगैरह है तो दवाई की छोटा भी लगवाते हैं, मास्क पहनने के लिए भी लोगों से जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे बीमारी से बचने के लिए। सफाई कर्मी नियमित आते हैं गांव में? सफाई कर्मी नियमित चल रहे हैं। बारात घर पंचायत भवन ये बने हुए हैं? पंचायत भवन है, बारात घर नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह बन रहा है। शमशान घाट, कब्रिस्तान? शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान। शमशान घाट के लिए यहाँ कितने दूर लोगों को जाना पड़ता है? जंगल के रास्ते जाना पड़ता है, लगभग 2.5 किलोमीटर। क्या यहाँ ग्राम समाज की भूमि नहीं है? भूमि है, उस पर अवैध कब्जा लगा हुआ है। तो उसके लिए आपने कभी कोई प्रस्ताव, कोई शिकायत की है? प्रस्ताव भेजा है, अभी तक उसका कोई हल नहीं मिला है जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ गरीब और गरीब तबके के आदमी हो रहे हैं, अब वो हमसे कहते हैं हमारे लिए रहने की व्यवस्था कराइए। कितने परिवार ऐसे होंगे? 25-30 परिवार तो लगभग ऐसे हैं। तो हम यही चाहते हैं, जैसे अब जैसा हमारा लास्ट कार्यकाल चल रहा है, हमारे काल में ये उन लोगों को सुविधा मिल जाए तो और अच्छी बात है। कोशिश मतलब आपकी जारी है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कच्चे रास्ते आपने बताया कि कुछ बाकी हैं, तो कितने मीटर सीसी से यहाँ पक्का हो जाएगा पूरा गाँव? 400-500 मीटर सीसी से पक्का हो जाएगा। कोई और समस्या ऐसी गांव में कोई आपको मतलब लगता है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से यहां पर ध्यान दे, आपकी मदद के लिए तैयार हो? फिलहाल तो हमारा गांव पूरा स्वच्छ और स्वस्थ हुआ है जी, काफी हद तक विकसित हो चुका है जी। बाकी जो काम रह गए हैं और जो कराने हैं, हम उसकी हम मांग करेंगे सरकार, हम भी चाहते हैं सरकार से हम मांग जो करें उस काम के लिए हमें दिया जाए, तो गाँव वाले और जरा थोड़े जी मतलब धनराशि आपको यहाँ पर इतनी सरकार जो है मुहैया कराए, ताकि आप बचे हुए जो भी काम है उन्हें पूरा कर। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, इन 4 सालों में काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी हद तक सौंदर्यकरण करवाया जा चुका है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ समस्याएं अभी भी मौजूद है, जैसे कि बारात घर यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसका होना बहुत जरूरी है, और अंत्येष्टि स्थल जो कि यहाँ पर निर्मित नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ लोगों को जाना पड़ता है, काफी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ता है जंगल के रास्ते से जाकर।
ग्राम समाज की भूमि होते हुए भी यहाँ अंत्येष्टि स्थल नहीं बन पाया है क्योंकि उस पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। अशरफ अली के साथ नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है सर आपका? वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, ये बताइए, यहाँ 4 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास हमारे गांव के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। स्कूल सबसे मेन चीज तो हमारे जो सुधार हुआ है, 3 स्कूलों की स्थिति जो पहले से पिछली प्रधानी से कई जगह बेहतर है। अच्छा, बेहतर है जी। हाँ, ग्राम प्रधान के कार्यकाल से आप सहमत हो? जी हाँ, सहमत जी। किस गांव के नागरिक हो आप? फरेदी। फरेदी जी।